हेलो एवरीवन दिस इज़ अ वर्कशीट नंबर 54 फॉर क्लास टेंथ शेड्यूल टू बी डन ऑन सेवनटीन नवंबर 2020 तो चलिए देखते हैं वर्कशीट में क्या है आज आज आपकी वर्कशीट में आपको गिवन है अनालिटिकल पैराग्राफ जो हम पहले भी कर चुके हैं चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है टास्क ए ड्यूरिंग द मंथ्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवम्बर डेलीज ए क्वालिटी बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न जैसे कि हम सबको पता है कि दिल्ली में पटाखे होते हैं क्रैकर्स होते हैं और कई लोग जैसे व्हीकल्स बहुत चलाते हैं इस बार तो कोरोना कोविड नाइन्टीन की वजह से कम हुआ था लेकिन फिर से लॉकडाउन ख़त्म हो गया और फिर सब कुछ खुल गया तो वापस लोग बाहर जा रहे हैं और वापस से दिल्ली की एयर क्वालिटी गिर चुकी है डिक्रीज हो चुकी है तो वही बता रही कि अक्टूबर और नवंबर के मंथ में क्योंकि इसी टाइम पर जनरली दिवाली होती है और लोग ये समझते नहीं है कि पटाके हमें नहीं जलाना चाहिए वी शुड नॉट बर्न क्रैकर्स तो वही बताया गया इसमें कि ये जो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में डेली की एयर क्वालिटी बहुत आ, कम हो जाती है और मैटर ऑफ कंसर्न हो जाती है कि हमें उस बारे में सोचना चाहिए विचार करना चाहिए उसके लिए एवरी डे वी रेड और हियर न्यूज़ अबाउट द एयर क्वालिटी गेटिंग वर्स स्टडी द पाई चार्ट बिलो द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन एनालाइजिंग द गिंग डेट गिवन डेटा राइट अ पैराग्राफ इन वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड वर्ड्स ऑन डेली गैस फॉर ब्रेथ अब इसमें देखिए क्या बोला है हम हर रोज़ पढ़ते हैं या, या तो हम न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं कि एयर क्वालिटी वर्ड्स होती जा रही है हर रोज़ बताते रहते कि डेली की एयर क्वालिटी ऐसी हो गई है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गई है लोगों को डिजीज़ हो रही है और अब तो क्योंकि कोविड नाइन्टीन चल रहा है तो इस वजह से जो पेशेंट्स हैं कोविड नाइन्टीन के उनको तो और भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो इसमें बताया है कि एयर क्वालिटी वर्स होती जा रही है हम हर रोज़ देखते हैं ये न्यूज़ चैनल्स पे और हर जगह पे और हमें, हमें अभी हमें अब ये नीचे एक पाई चार्ट गिवन है इसको एक पाई चार्ट कहते हैं आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ये पाई चार्ट गिवन है हमें इस इसमें एनालाइज करके देखना है और हमें बताया गया कि ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जो एयर पॉल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मतलब जो जो, जो चीज़ें जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली का मेनली तो ये सारे देखिए व्हीकुलर एमिशन मतलब जो व्हीकल से धुआं निकलता है और पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज ये सारे गिवन है अभी हम नीचे देखेंगे पहले हम पूरा ऊपर का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अब हमें जो गिवन डेटा है मतलब जो ये पाचल गिवन है इसके ऊपर एक पैराग्राफ निकला है दैट इज एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है किसके ऊपर यह टॉपिक हमें गिवन है दिल्ली गैस्प्स फॉर ब्रेथ ठीक डली गैस्प फॉर ब्रेथ अब आप सोचेंगे कि गैस्प का मतलब क्या होता है गैस्प का मतलब होता है हाफना हाफते हैं ना हम जब हमें ढंग से सांस नहीं आती तो तो गैस्प का मतलब होता है हाफना गैस्प ठीक है इससे आप देखिए न्यू न्यू वर्ड्स भी सीख रहे हैं अब देखिए ये हमारा पाईचार्ट गिवन है हमें इसे एनालाइज करना मतलब इसे ऑब्जर्व करना है इसमें हमें गिवन क्या है अब इसमें देखिए हमें गिवन है वेस्ट बर्निंग से होता है वहीकुलर एमिशन से मतलब वेस्ट बर्निंग जो हम जैसे किचन वेस्ट बर्न कर देते हैं लोग बाहर जैसे आपने देखा होगा कई लोग जब जबकि वो चीज़ गलत होती है कई जो लोग साफ़ करते हैं कूड़ा जो बाहर पड़ा होता है उसको जला देते हैं और सब कुछ कर देते हैं तो गलत चीज़ है और आपको कभी भी कोई ऐसे दिखे तो आपको उसे रोक के कहना चाहिए कि नहीं ये गलत होता है पोलाइट वे में ठीक है ताकि हम अपनी एन्वायरमेंट को बचा सकें तो वेस्ट बर्निंग से देखिए 24 परसेंट ऑफ पोल्यूशन होता है ड्राई लीव्स को बर्न करना प्लास्टिक्स को बर्न करना और प्लास्टिक्स तो और भी हार्मफुल होते हैं क्योंकि उसमें इतनी गंदी और हार्मफुल गैसेज निकलती है कि वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है हमारी बॉडी के है? सारे एनिमल सारे लिविंग बींग्स के लिए अच्छी नहीं है वो अब व्हीकुलर एमिशन अब इसमें हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो व्हीकुलर एमिशन से निकल रही है थर्टी थ्री परसेंट आप देख सकते हैं थर्टी थ्री परसेंट दैट्स अ लॉट तो अब इसमें हम देखते हैं क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग अब क्रॉप में क्या होता है जब भी फार्मर्स का हो जाता है अब आपने सुना होगा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा या बायोलॉजी में पढ़ा होगा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर उसमें क्या होता है फार्मर्स किसी भी जगह पे जाते हैं उसके ऊपर पूरी जगह पे आग लगा देते हैं या जो पेड़ होते हैं उनको काट देते हैं और उसके ऊपर अपना फिर एग्रीकल्चर करते हैं अब इसमें क्या है ये उस वे में भी हम ले सकते हैं प्लस क्योंकि ये एक अर्बन एरिया है जो डेली है तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बाहर के स्टेट्स हैं या डेली में भी फार्मर्स जो भी बच जाता है जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में भूसा कहते हैं जो कैटल को खिलाते हैं वो सब जो बच जाता है जो एक्स्ट्रा होता है जो रिमेन्स होते हैं जो इनको नहीं चाहिए होते वो बर्न कर देते हैं जो सबसे बुरी बात है क्योंकि वो हम एज अ उसमें सॉइल में डाल सकते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस ही है बायोडिग्रेडेबल है तो उसको अगर हम डाल देंगे तो कोई हार्म नहीं होगा वो सॉइल अपने आप ही उसे वो अपने आप चेंज होकर कन्वर्ट होके उसमें मिक्स हो जाएगा और ह्यूमस बन जाएगा सॉइल में है ना तो ये हमने देखा ट्वेंटी नाइन परसेंट क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग से होता है फिर हमने वेस्ट बर्निंग देख लिया था अब हम इधर देखते हैं पल्यूशन फ्राम फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज हमें पता ही है ये हमें चेक रखना चाहिए और पल्यूशन फैक्ट्री से नाइन परसेंट होता है और फिर कंस्ट्रक्शन डस्ट से जब कंस्ट्रक्शन होती है तो हमने देखा होगा जब भी सीमेंट बन रहा होता है तो उधर बहुत सारा स्मोक निकलता है स्मोक इन द सेंस धुआं निकलता है उस पार्टिकल्स मिक्स होते हैं उसमें इस वजह से तो एयर को बहुत पल्यूट करता है पल्यूट इन द सेंस ख़राब करता है उसकी क्वालिटी डिग्रेड करता है अब इसमें हमने देखा होगा सबसे ज़्यादा व्हीकुलर एमिशन से होता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की कोशिश करना चाहिए और अगर ना हो सके तो कारपूल कर सकते हैं हम जैसे अगर आप किसी के अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड को अपने साथ लेके जा सकते हैं कि ताकि और ज़्यादा पोल्यूशन ना हो देखिए छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ा होता है जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद से ही नदी बनती है तो वैसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही बहुत बड़ा चेंज आ सकता है जब तक आप करेंगे आप किसी और को भी बोल सकते हैं तो आपके पास कोई राइट नहीं है बोलने का और आपको देख के लोग सीखते हैं तो ऐसे ही अगर जैसे अभी दिवाली आई थी तो अगर दिवाली पर आपने सिर्फ क्राकज नहीं जलाए तो आपने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला क्योंकि आपको देख के कई लोग होंगे या आपके छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशन ने बहुत हेल्प किया था चलिए अब हम नीचे चलते हैं इधर हमें कुछ फ्रेजेस जि जिनको हम यूज कर सकते हैं हमने एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने में तो इधर ये हम फर्स्ट फ्रेज देखते हैं तो चार्ट हमें दिखाता है इंडिकेट करता है ये हम इंट्रोडक्टरी लाइन में लिख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है है ना अगर हमें सेकंड देखे सेकंड पॉइंट बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू डलीज एयर पॉल्यूशन इज दिल्ली के एयर uh, पोल्यूशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जिसे सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन किया है वो क्या है क्या है हमने अभी देखा था वहीक्यूलर एमिशन ठीक है ये हमने अभी पढ़ा था ना ये रहा चार्ट में थर्टी थ्री परसेंट एमिशन अब नीचे बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू कंट्रीब्यूट्स एज मच एज इधर हमें परसेंटेज जाने हैं ना तो बर्निंग क्रॉप ये ये सब आप सेंटेंसेज अपने आप यूज़ कर सकते हैं या आपकी हेल्प करने के लिए गई आपको अगर यूज़ करने के करियर नहीं करने मत करिए या आपके सिर्फ हेल्प के लिए दिए गए हैं और वही हमारी कोविड नाइन्टीन के लिए हमें टिप दी गई है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और टू यार्ड्स हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होती है दैट इज सिक्स फीट या टू यार्ड्स की हमें डिस्टेंसिंग रखनी होती है बीच में हमें यही बताया गया जो कि हम जो कि हमें पता है चलिए अब हम देखते हैं हाँ ये जो आपको मैंने एक सैम्पल लिख के दिया है आप अपना भी लिख सकते हैं और अपना लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी चलिए अब देखते हैं अब इधर क्या लिखा है सबसे पहले हेडिंग आती है है ना मैंने आपको पहले बताया था हेडिंग आती है फिर है पाईचार्ट आपको क्या दिखा रहा है अभी देखिए इधर पाईचार्ट था तो हमने पाईचार्ट लिखा अगर इधर ग्राफ होता तो ग्राफ लिखते अगर सिंपल सा आपको करना है तो आप सिंपल सा लिख दीजिए लिखिए लिख दीजिए कि ग्राफ सिर्फ ग्राफ लिखिए पाई भी लिखने की आपको जरूरत नहीं इधर भी आप पाई नहीं लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन बस प्रिसाइज बनने के लिए वो इधर पाई लिख दिया मैंने द पाई चार्ट शोज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टू वर्ड्स पॉल्यूशन ये जो पाई चार्ट है दिखाता है कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग एक्टिविटीज की पोल्यूशन की तरफ थ्रू द पाई चार्ट वी कैन से दैट द एक्टिविटी विच कॉजिज द मैक्सिमम पॉल्यूशन इज थर्टी थ्री परसेंट दैट इज़ थर्टी थ्री परसेंट इज वहीक्युलर एमिशन थ्रू द पाईचार्ट हम ये कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती है वो है व्हीक्युलर एमिशन जो कि है थर्टी थ्री परसेंट पोल्यूशन जो उसमें बोला गया है थर्टी थ्री परसेंट करती है वो द करॉप रेसिड्यू बर्निंग कॉजि ट्वेंटी नाइन परसेंट ऑफ द पोल्यूशन विच इज विच इज इधर विच के बाद आएगा लेसर ठीक है इधर आप लिख लीजिएगा जब भी आप अपना काम करेंगे अगर आप यही वाले लिख रहे अपना, अपना लिखेंगे तो आपका वैसे भी अच्छा है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इधर आपको लिख देना है इस वाली जगह पे लेसर ठीक है ये एल ई एस एस ई आर ओके लेसर अब मैंने आपको बता दिया विच इज़ लेसर दैन द वहीक्युलर एमिशन बाई फोर परसेंट ये हमने कर लिया अब सिमिलरली द बर्निंग ऑफ वेस्ट कॉजिज ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ पॉल्यूशन नाइन परसेंट ऑफ वेट इज़ कॉज बाय द फैक्ट्री एमिशंस एंड द लीस्ट फ्रॉम द डस्ट फ्राम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ दैट इज़ फाइव परसेंट अब आपको सेकेंड पारा में क्या करना होता है आपको सेकेंड पारा में ना पूरा बता देना है कि पूरा है किस बारे में क्या क्या डेटा गिवन है इसमें है क्या ये देखिए इसमें आपको बताना है कि आप गिवन क्या है है किस बारे में है पूरा तो हमने बता दिया कि इसमें क्या क्या गिवन था अब हम चलते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ में दैट इज लास्ट पैराग्राफ ओवरऑल व्हीकल्स कॉज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन देर फो मेजर्स मस्ट बी टेकन टू डिक्रीज द एमिशन एंड डस्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कॉजिस द लीस्ट अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन ये हमारा लास्ट पैराग्राफ हो गया है जिसपे कहा है कि ओवरऑल व्हीकल्स कॉज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पोल्यूशन जो व्हीकल्स होते हैं जो हमने कंक्लूजन लिया है के वीकर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं और देर फॉर मेजर्स मस्ट बी टेकन इसलिए हमें मेजर्स लेने चाहिए ताकि इनका एमिशन है जो वो डिक्रीज हो और कंस्ट्रक्शन फ्राम जो डस्ट से डस्ट जो होती है कंस्ट्रक्शन की वो सबसे कम करती है पोल्यूशन हमने कंक्लूड कर दिया अब हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ ख़त्म देखिए कभी भी ना आपको अपने व्यूज़ नहीं देने होते एनालिटिकल पैराग्राफ में क्योंकि हमें सिर्फ एनालिसिस अनल, करने है जो गिवन है ठीक है तो कभी भी अपने हिसाब से उसमें जैसे हम करते हैं ना बाकी स्टोरी राइटिंग सब में वो अपने हिसाब से लिखते हैं हमारी क्रिएटिव राइटिंग इसमें सिर्फ हमें एनालाइज़ करना होता है तो ये होगी आपकी आज की वर्कशीट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप दैट यू ऑल आर फाइन स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी थैंक्स लॉट